और सर ठीक है राइट वहाँ से और ऊपर ही जहाँ हाथ है और ऊपर हाँ थोड़ा अंदर और इधर इंदर भाई जबकि हमारे तो महान महान ऋषि मुनि भी कह गए हैं कि बच्चा वाइफ कभी गलत नहीं होती एक ऋषि रजत सरीना देवयानी और नील के बीच कुछ उन लोगों के कुछ प्राइवेट मोमेंट होते हैं तो किसने उसको MMS बना के डाल दिया है तो हम वही ढूंढने की कोशिश करते करते पता चलता है कि ये सब वास्तव में अभी नहीं किया है और नील डिनाई कर रहा है कि उसने नहीं किया है सब इसने मम्मी की वजह से किया है उसमें बोल रहा है कि उसने बोला था कि भाई ने तो कर लिया अपने मम्मी के बारे में नहीं सोचा मैं मम्मी के बारे में सोच के ये सब कर रहा हूँ तो पापा जी जो है वो चाहते हैं सब मतलब सरीन जी जो है वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए हम दोनों में कोई टेंशन नहीं हम दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग है मच्योर है हम दोनों समझते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे के हर डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं तो ये डिसाइड किया था कि जो भी सच कह रहा हो जो भी झूठ कह रहा हो हम उसे अपने रिलेशनशिप पे हावी नहीं होने देंगे सो हम बहुत ही मैच्योरली से हैंडल कर रहे हैं सो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं लकीली तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि आपकी छोटी बहन और आपके छोटे भाई की शादी हो सकती है आगे वो तो नहीं पता आगे चल के क्या होगा पर देखते हैं क्या होता है लेकिन दर्शकों को कुछ ड्रामा जरूर देखने मिलेगा ना क्योंकि एक तो पहले से एक बहू तो पहले से नहीं पसंद रजत की मम्मी को दूसरी भी उसी घर से आएगी ऑब्वियसली अगर आएगी तो कुछ ना कुछ अगर ऐसा होता है तो फुल ऑन ड्रामा होगा क्योंकि मिंटी जी दोनों को ही पसंद नहीं करेंगी और दोनों बहनें एक साथ हो गई तो इनकी भी ताकत दुगनी हो जाएगी मैं तो ये सोच रहा हूँ हम भाइयों का क्या होगा बट आप प्राउड फील करते हैं कि नहीं अनुष्का बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढती है आपको टेंशन भी नहीं देती मैं तो कहता हूँ मैंने इन्हें CBI में होना चाहिए ठीक है आप लोग शांति सिस्टर्स देखते रहिए लव यू ऑल थैंक यू अपन बोला सुना